नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी 3 4 2 3 महीने 4 महीने 5 महीने से पेंडिंग दिखा रहा है आरपीओ में, क्या करें? और पेंडिंग दिखा रहा है तो मेन दिक्कत क्या हुआ होगा, देखो अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, आप किसी भी स्टेट से हो ये मैटर नहीं करता है, कहीं से भी अगर आप हो, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही तरीके से रहता है और आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो मतलब जो प्रोसीजर होता है वो सही तरीके से आप करते हैं, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सही से लेके जाते हो तो वहां पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन सही तरीके से हो जाता है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन भी सही तरीके से हो जाता है, उसके बाद आपकी फाइल जो है आगे जाती है। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं भाई पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सारे काम हो गए, जी नहीं। अब देखो इसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, आपकी फाइल पेंडिंग क्यों होती है, और पेंडिंग भी होगी तो हमें उसका सोल्यूशन कैसे निकालना चाहिए। 3 4 महीने हो गया, देखो क्या होता है ना कि जिनका पेंडिंग शो करता है वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि स्टेटस अपने से चेंज हो जाएगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी तो चलो वो लोग चेक किए रिव्यू में है तो रिव्यू में चेक कर लिए कि हाँ भाई तब पेंडिंग से स्टेटस हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो आपका पेंडिंग में रह जाता है तो लोग कुछ करते नहीं है। भाई मुझे कमेंट्स आया था कई लोगों का, तो इसलिए मैं ये वीडियो पिक किया, मतलब ये वीडियो की टॉपिक पे ऊपर मतलब मैं बात कर रहा हूं। तो देखो इस सिचुएशन में आपको करना ये है कि जब भी पेंडिंग दिखा रहा हो तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से अपना स्टेटस पढ़िए। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप अपने रिलेटिव कोई भी समझदार मतलब उस व्यक्ति को पढ़वाइए जिससे अच्छे तरीके से वो पढ़ के वो आपको बता सके कि हाँ मेन प्रॉब्लम क्या दे रही है, क्योंकि जो स्टेटस शो कर रहा है ना उसी प्रॉब्लम में आपके पासपोर्ट का सोल्यूशन है, समझ रहे हो? तो ये पासपोर्ट का सोल्यूशन उसी स्टेटस में ही आपको शो करेगा। अगर वहां पर शो कर रहा है कि फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग एट एसपी ऑफिस, अगर इस तरीके से कुछ रिलेटेड मैसेज आपको स्टेटस शो कर रहा है तो आपको सिंपली एसपी ऑफिस जाना है, ये नहीं वेट करना है कि स्टेटस कब चेंज होगा, आपको एसपी ऑफिस जाना है, वहां जाकर आपको बात करना है। एसपी ऑफिस में जाने के बाद आपको बोल दीजिएगा कि भाई हमारा पासपोर्ट से रिलेटेड हमें बात करना, हमारा पासपोर्ट रुका हुआ है, तो पासपोर्ट के जो डिपार्टमेंट बना होता है वहां पर जाकर आप बात कर सकते हो, वो लोग बताएंगे हाँ यहाँ पर जाकर आप बात कर लो, यहाँ पर जाकर बात कर लो, तो वहां पर बात कीजिएगा। और हाँ, एसपी ऑफिस जाने से पहले आप अपना सारा डॉक्यूमेंट बकायदा लेके जाएगा, जैसे सर्टिफिकेट मतलब ए टू जेड यार जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है ना सब लेके जाना आप एसपी ऑफिस पर, फिर वहां से वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद बोलेंगे हाँ ये तो फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, तो वो सब कुछ चेक करने के बाद अगर सब सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो तो वो सक्सेसफुली वहां से कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे भैया, वो बोलेंगे कि आप जाओ हम आगे भेज देंगे, तो उसके बाद 2 4 दिन के बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। लेकिन घर बैठे बैठे अगर आप सोच रहे हो भाई अपने से स्टेटस चेंज हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, स्टेटस कभी भी चेंज नहीं होगा बिना कुछ काम किए। और देखो दूसरा फिर प्रॉब्लम क्या आता है, क्यों पेंडिंग होता है, कभी कभी हमारी मार्कशीट जो है ना अगर काफी पुरानी होती है तो वो चेक करने के लिए रिव्यू में डाल देते हैं कि भाई ये मार्कशीट ओरिजिनल है कि नहीं, हाई स्कूल या ट्वेल्थ की बात करें तो वो चेक करते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट बंदे ने दिया है कि नहीं, तो फिर वो मार्कशीट को बोर्ड के पास भेज देते हैं, बोर्ड के पास भाई इतना टाइम नहीं होता, उनके पास बोर्ड का एग्जाम करवाना, टेंथ का ट्वेल्थ का बहुत ज्यादा काम होता है भाई, तो वो उसमें ही उलझे रहते हैं। जब उन्हें टाइम मिलती है प्रॉपर तब जाकर वो उसे चेक करके फिर वहां से रिपोर्ट आगे भेजते हैं, तब जाकर ये स्टेटस वो लोग चेक करते हैं, तब जाकर वो कहीं चेंज होता है। लेकिन आप चाहो तो भाई अपना डॉक्यूमेंट लेके टेंथ का वहां जाकर आरपीओ में जाकर डायरेक्ट वो सब सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मेन ये रीजन भी होता है कभी कभी। लेकिन अगर देखो एक बार और, जब भी आप देख रहे हो कि योर पासपोर्ट इज पेंडिंग एट आरपीओ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन सही तरीके से हो गया, एसपी ऑफिस से फाइल आपकी आरपीओ तक गई। अब आरपीओ में सीन ये है कि वहां पर आपकी फाइल पेंडिंग में पड़ी है, तो आपको क्या करना होगा, तो देखो आपको अपॉइंटमेंट पहले बुक करना होगा आरपीओ में, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको आरपीओ में अपॉइंटमेंट बुक करना है, उसके बाद आपको अपना मतलब रीशेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट करना है, तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको पहुंच जाना है आरपीओ, आरपीओ पहुंच जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर, वहां पर डॉक्यूमेंट दिखाना है, वो फिर से आपका एक बार वेरीफाइड आपको कर लेंगे कि हाँ बंदे ये तो जेन्यून है, इसके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, फिर इसकी फाइल यहाँ क्यों रुकी हुई है, तो वो सारी चीजें चेक करने के बाद आपकी फाइल को फिर आगे भेज देंगे, मतलब कि सब मिला जुला कर वहां से वो पासपोर्ट को डिस्पैच कर देंगे। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन पेंडिंग ये तब तक नहीं हटेगा भाई जब तक आप खुद नहीं जाओगे विजिट करोगे, जब तक आप खुद उसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे, घर बैठे बैठे नहीं चेंज होने वाला है भाई, आपको चेंज करवाना होगा, मेहनत आपको करना होगा, कोई और नहीं करेगा, अगर पासपोर्ट आपका है तो आपको ही करना होगा सब कुछ। ऐसा नहीं कि आप किसी और राज्य में चले गए काम करने, दूसरे और आपके राज्य में जहां से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था बोल दिया अपने दोस्त को भाई जाके देख लेना, ऐसा नहीं होता, आप खुद जाना पड़ेगा आपको पासपोर्ट के लिए, ये हमारा इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, इसलिए इसमें बहुत ही ज्यादा भाई वेरिफिकेशन वगैरह किया जाता है कि हाँ ये जेन्युइन बंदे का है या फिर नहीं है,
ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पर हमेशा मिलता रहता है आपको, पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में।